और एक अंधेरी गली में, रास्ता भी बहुत भूतिया है, डर लग रहा है यार। उस तरफ सिर्फ एक गली है। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइव स्ट्रीमिंग। तो आज सुबह सुबह बहुत ठंड है और आज जल्दी आँख खुल गई, तो आज जल्दी जल्दी मैं कैमरा लेके पहुँच। सुबह सुबह पापा गए थे बाजार खरीदी करने और बहुत सारी सब्जियाँ और फिशेस जो है पापा खरीद के ले आए। तो वो अंडे की पेटी, आलू, प्याज, मटर, कैप्सिकम, बैंगन, सारी चीज़ें। और आज हमारा रोज़ का टिफ़िन ही है क्योंकि हम कुछ अलग नहीं खा सकते। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं और कल तो काजू कतली आई है, कल से बहुत सारे काजू कतली खा लिए। तो ये फिश है, ये हम बहुत दिन बाद खा रहे हैं। इसको हमारी तो बंगाली में चीतल कहते हैं। और ये है, इसका एकदम मसालेदार एकदम भुना हुआ एक फिश बनता है, बहुत टेस्टी होता है। मेरी बहन जो मेरे साथ ही उठी थी और ब्रश करके काजू कतली खा के सो गई। भपलो, गुड मॉर्निंग, स्वेटर पहन के सो गई मेरे बच्चे। हमारे बच्चे बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। कल तो बहुत सुंदर लग रही थी। आपको जब हम दिखाएंगे वो हमने क्या शूट किया था, आप देखेंगे मेरी बहन कितनी सुंदर लग रही थी। तो चलो इसको छोड़ते, ये थोड़ी देर और सो ले, फिर इसको उठाते, फिर वो उठ के ही अपना फ़ोन मांगेगी। तो बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, पहले बन रहा है पापा का ब्रेकफास्ट, तो पापा ये बन खाते हैं। और ये रहा एक स्पेशल चीज़, ये है नीम गोली, ये बहुत अच्छा होता है शुगर के लिए, मेरे पापा रोज़ लेते हैं। इसको भिगो के रखना पड़ता है ओवरनाइट, फिर इसको खाता है। ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी बन रहा है हमारा ब्रेड ऑमलेट, जो हमारा रोज़ का है, जो हमें रोज़ पसंद है। तो ये सब तैयारी मम्मी बना रही है। तो मम्मी आज सुबह से काम कर रही है क्योंकि आज पापा घर पे हैं। यहाँ पे सुबह से ही दोनों लग पड़े हैं खाना बनाने। तो संडे का टाइम पास यही है इन लोगों का। अभी बज रहे हैं 1:30 और यहाँ बन रहा है खाना दोपहर का। खाना बनने ही वाला है और मैं और मेरी बहन सो गए थे। देखो फिश करी, शीम सर्षे, यहाँ मूसूर दाल है, अभी तक ये बना है और ये बन रहा है। तो अभी बज रहे हैं 2 और मैंने जल्दी जल्दी उठ के वीडियो बना के फिर नहा लिया क्योंकि बहुत लेट हो गया था। अभी हम खाने के लिए बैठेंगे और उससे पहले मुझे एक काम करना है, जो कि ये सारे कपड़े मेरे शूट में कल लगे थे, सारे हमने पहने थे और अभी हमें इसे फोल्ड करना है, मुझे फोल्ड करना है। बेसिकली मेरी बहन तो नहीं करती, तो मेरी बहन गई अभी नहाने, तो मैं बैठूँगी अब सारे फोल्ड करने, और फोल्ड करके फिर हम खाने के लिए बैठेंगे। और खाने के साथ मैं देखती हूँ वो है संडे सस्पेंस, जो कि मैं आज भी सुनूंगी, देखते नहीं सुनते उसे। तो चलो, हमारा आज का डे तो पूरा सोते सोते भी दिया। घर बैठे बैठे हम बहुत बोर हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि चलो कहीं से थोड़ा चल के आते हैं, घूम के आते हैं, कुछ भी करके आते हैं, पर चलो कहीं जाते हैं। तो मैं और मेरी बाबन जो है निकल रहे हैं। तो मेरी बाबन कहाँ जा रहे हैं? हम घूमने। घूमने कहाँ जा रहे हैं? घूमने पता नहीं, पंचार पता महंगा पत्ता है, वेस्ट साइड में मिलता है। हो गया, और चले? हाँ चले, चलो चले, आओ दोस्तों चले, चुनौती का सामना करे, चलो चले। नहीं गा सकते ना? नहीं, क्यों नहीं गा सकते यार, बहुत प्रॉब्लम है इससे मुझे और मेरी बहन को, क्योंकि हम हरदम गाना सुनते हैं, मेरी बहन सुनते हैं। बहुत ठंड है यार, हमें पता नहीं चलता ना अंदर क्या ठंड है या कुछ,
पर यहाँ निकल के पता चल रहा है कि बहुत ठंड है बाहर। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, चलते चलते जहाँ पहुँचेंगे वहीं जाएंगे। घर बैठ के यार बहुत दिन हो गया, तो चलो चलते तो हम नहीं जानते कहाँ जाना है, तो हम जा रहे इस तरफ जा रहे हैं हम, इस तरफ जो आएगा वहीं जाएंगे। तो हम सुनसान गलियों में अभी निकल चुके हैं। गलियों में घर दिखा कितना बांध, सब रजाई के नीचे, सब रजाई के नीचे, कोई नहीं उठेगा यार। पता नहीं उस तरफ देखो कितना अंधेरा है, इस तरफ भी अंधेरा ही है, तो हम जाए किस तरफ? डर लग रहा है यार, उस तरफ सिर्फ एक गली है और कुछ नहीं है, उस तरफ सिर्फ एक गली है। इस तरफ का रोड मुझे पता है पर इस तरफ का रोड मुझे पता नहीं। इस पूरे रोड में सिर्फ हम ही हम है और कोई नहीं है। चल इस तरफ जाते हैं, इस तरफ छोटी सी गली है, डर लग रहा है मुझे। इस तरफ मुझे पता है इस तरफ क्या है, उस तरफ मुझे पता नहीं। इस अनजान गलियों में जाने का मजा ही कुछ अलग है, कभी निकल के ऐसे ही हमारी तुझे शहर में गांव के सड़कें कहाँ मिल गई? गांव के सड़कों की आनंद। एक छोटा सा टीला भी है, उसमें ऊपर चल। नहीं, ये और एक अंधेरी गली में देखो कितना डरावना है। घर भी नहीं था, घर तो पूरा सुनसान। ऐसा लगा सारे खाए मर गए, सारे सो गए, मर गए क्या? मरे नहीं सो गए। और ये एक आदमी दिख रहा है दूर एक आदमी दिख रहा है। अगर राह चलते हमें कोई भूत मिल गया तो हम आपको दिखाएंगे जरूर। उससे ही डर जाएंगे भूती। क्यों मुझसे डरने की क्या बात है, भूत मुझसे क्यों डरेंगे यार। चलते एक शिव जी का मंदिर मिल गया, माथा टेक लेते हैं। तो मेरी बहन अपने उच्च माध्यमिक यानी कि HS के लिए प्रार्थना कर रही है कि भगवान करे कि HS ना हो। तो ये पूरा मंदिर है, हमने पहली बार ये मंदिर देखा, इतने दिन से रह रहे हैं कभी नहीं देखा, पहली बार ये मंदिर मिला हमें। बोलते हैं ना अनजाने राहों में बहुत कुछ मिलता है, जो है हमारा घर का रास्ता भी मिल गया। दीदी ने पॉटी पे पैर रख दिया, इसने पॉटी पे पैर रख दिया। छी, मुझे बहुत घृणा आ रही है। ये घर देखो, ये घर ना मुझे बहुत दिनों से पसंद है। और ये एक मैंगो ट्री भी है, बहुत डरावना। वो चांद देखो कैसे लुकाछुपी खेल रही है। ये घर का एंट्रेंस है, लोग देखेंगे तो सोचेंगे ये वो वाला घर है जो सीरियस में दिखाते हैं। बड़ा परिवार, उसमें दरार, CCTV भी है, लोग देखेंगे ना मारेंगे। एक भूतिया घर के सामने से गुजर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। रुको ये यहाँ के सबसे भूतिया घर है ये। हाँ ये हमारे थॉमस यहाँ 2-3 दिन पहले कोई रहता था, अब शायद कोई नहीं रहता। तू इधर से आ, अब शायद कोई नहीं रहता। 2-3 दिन पहले कोई लोग आए थे रहने, फिर से लोग चले भी गए। तो है ना? हाँ देखो ताला लगा हुआ है, तो लोग आए थे, ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाते। तो छू मत किसी चीज को। तो इस घर में भी ना, ये जो बगल वाला घर है, इस घर में भी बहुत सारे भूतिया किस्से हुए हैं। ये बहुत बार रेनोवेट करने की कोशिश की गई पर और रहने की भी कोशिश किया गया था पर यहाँ पर कोई रह नहीं पाया। बहुत डरावना है घर। घर क्यों था? चलो चलते हैं भाग। अभी ये रास्ता भी बहुत भूतिया है। इस रास्ते में कहते हैं कि इस रास्ते में एक लड़की जो है वो हाई हील्स पहन के चलती है। इस रास्ते में ना भूतिया किस्से बहुत सारे हैं।
तो इस पर हम ना आम चुन रहे थे ना, यहाँ पर ना लोग बाहर निकल के देखेंगे, यहाँ से उठ के यहाँ से आम, हाँ एक आम के पेड़ था यहाँ काट दिया, हाँ वो लोग ने काट दिया और यहाँ एक आम का पेड़ था, हमने यहाँ से आम चुराए थे। शिवरात्रि था और हम और अंकिता भी थी, तो अंकिता प्रीति और हम दोनों, हम चारों ने मिलकर आम चुराए थे। और ये मेरी एक बंगाली मैम के घर है, यहाँ मैं पढ़ने आती थी, और ये आगे हमारा घर सामने ही है, चलते चलते मिल जाएगा। मैंने देखा कैसे नहीं, अभी शायद ठीक है, ठीक है चल, ये मेरे घर के सामने आ गए, फिर से हम यहाँ से निकल रहे हैं। वे किसी से बात करें, शायद मेरे चाचा से बात करें, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो उसके बारे में बातें कर रहे हैं और हम फिर से यहाँ से जा रहे हैं। तो देखी की बात है, बातें घर पे रह के तू क्या कर रही थी? चलो 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 चले, हाँ जिम आ गए।